सो हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने जा रही है क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है और उनका फैट ज्यादा है, तो इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं ऐसी डाइट बना रहा हूँ, एक तो आपका फैट भी कम हो जाएगा, दूसरा बॉडी की शेप भी अच्छी हो जाएगी, तीसरा आपकी स्किन ग्लो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इन तीनों चीजों से आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चले जाएगा। तो अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपका बेनिफिट होगा। और कौन कौन से लोग ये डाइट फॉलो कर सकते हैं जो ये चीजें रिलेट कर पाएंगे, कौन सी चीजें, जिनका मुझे कमेंट आया, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनके मुझे बहुत मैसेज आए थे और मैं इनके मैसेज से जज कर पा रहा था ये बहुत ही ज्यादा वरीड है अपनी बॉडी के लिए, तो इसलिए मैं इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इनकी एज है 27 और हाइट है इनकी 4 फीट 7 इंच, तो आप देख सकते हो अभी एवरेज हाइट से थोड़ी कम हाइट है, और वेट है इनका 52 kg। तो ये हाइट के साथ अगर इतना वेट है तो डेफिनेटली ये भी ज्यादा वेट ही है। नॉर्मल कुछ लोग सोचते हैं 52 वेट तो कुछ भी नहीं होता, बट इनके हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा है। और इनका नाम है अमाना। इस डिटेल्स के आसपास आते हो तो आप एज इट इज डाइट फॉलो कर सकते हो, बट अगर आपका वेट ज्यादा है कुछ या हाइट ज्यादा है तो आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। एक चीज आपने याद रखना, कुछ पर्सन होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अगर उनका वेट ज्यादा है तो ये डाइट और कम कर देते हैं, जो कि गलत बात है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको डाइट और ज्यादा खानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा है तो ज्यादा बॉडी को ऑब्वियसली ज्यादा डाइट लगेगी। ऐसा नहीं भी फैट कम करने के लिए आप कम खाना खा रहे हो, नहीं तो बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी आ जाएगी। हम फैट लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी एक्सटर्नली भी अच्छी हो जाए और इंटरनली भी अच्छी हो जाए। तो इसलिए हर पर्सन के अकॉर्डिंग मैं इंडिविजुअल डाइट चार्ट प्लान करता हूँ। सो डाइट शुरू करते हैं। डाइट शुरू करने से पहले मैं इनका BMR चेक कर लेता हूँ। BMR क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आप जज कर सकते हो कि किसी पर्सन को कितनी कैलोरीज दे सकते हैं। सो इनकी एज है 27, हाइट इनकी 4 फीट 7 इंच, 140 cm, और वेट इनका 52 kg है ये फीमेल। सो सबसे पहले वेकअप टाइम इनका 7:30 बजे, 7:30 बजे उठ के इन्होंने एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच एलोवेरा डालना है। एलोवेरा आप घर पे ही बना सकते हो, जो प्लांट होता है उसके अंदर जो जेल होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके आप बना सकते हो। अगर नहीं घर पे प्लांट तो आप बाहर से कोई भी कंपनी का परचेज कर सकते हो, वार्म वाटर के अंदर डालकर उसे पी जाना है आपने सुबह सुबह 7:30 बजे। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो आपकी डाइजेशन अच्छी करेगा, दूसरा आपका स्किन ग्लो भी अच्छा करेगा। उसके बाद आपने 30 मिनट सनबाथ लेना है, मतलब कि तो आपने धूप में बैठना है सुबह 7:30 से 8 बजे। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट 8:30 मैंने प्लान किया आपका। ब्रेकफास्ट में होगा 1 ग्लास मिल्क, उसके अंदर 1 स्पून फ्लैक्सीड्स, आप फ्लैक्सीड या ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हो दूध के अंदर, या ऑन द स्पॉट सुबह ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के 1 चम्मच दूध के अंदर डाल सकते हो। उसके साथ 1 वेजिटेबल सैंडविच। ब्रेड आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, मल्टीग्रेन ब्रेड, और उसके अंदर वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो, कोई भी वेजिटेबल्स, स्पिनच या ब्रोकली या क्यूकुंबर, सैलड, अनियन, टोमेटो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। इसको आप रोस्ट करके या ग्रिल करके खा सकते हो विदाउट एनी ऑयल। तो सुबह 1 सैंडविच और साथ में 1 ग्लास मिल्क। नेक्स्ट मील मैंने आपका प्लान किया 11:30, इसमें 1 ग्रीन टी, साथ में पीनट सैलेड। पीनट सैलेड कैसे बनता है आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पर इस वीडियो में बता देता हूँ। तो नॉर्मल हैंडफुल पीनट सेलेक्ट करने, उसके अंदर अनियन, टोमेटो, कैप्सिकम, क्यूकुंबर और ग्रीन चिली, लेमन ऊपर स्क्वीज कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा, आपको यम्मी लगेगा। इसके साथ ग्रीन टी। लंच मैंने प्लान किया आपका 1:30, इसमें 2 चपाती, सब्जी, सैलेड, जो नॉर्मल टिपिकल लंच होता है। इसमें आपने सोयाबीन जरूर ऐड करनी है, मतलब जो सब्जी होगी वो सोयाबीन की होनी चाहिए, सोया न्यूट्री, आप सोया ग्रैन्यूल्स ले सकते हो या सोया न्यूट्री जो बिल्कुल बुरा चूरा होता है वो खा सकते हो। सोयाबीन अगर डेली खाओगे, इसमें प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन आपका वेट लॉस में और ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसका मैंने एक और अल्टरनेट दिया आपको, मतलब कि 2 लंच की ऑप्शन दी है। दूसरा है वेज बिरयानी। वेज बिरयानी कैसे बनानी, आपने नॉर्मल 1 कप राइस लेने, उसके अंदर वेजिटेबल्स और उसके साथ सोयाबीन, सोयाबीन तो ऐड करनी ही करनी है आपने डेली लंच में। तो इसे मिक्स करके आप वेज बिरयानी बना सकते हो, दोनों चीजों में आप कोई भी खा सकते हो। उसका नेक्स्ट मील मैंने प्लान किया है 5:00, उसमें आपने 1 कप कर्ड लेना है, मतलब कि 1 कटोरी दही, और साथ में सैलेड, अनियन, टोमेटो, क्यूकुंबर, बीटरूट, कैबेज, एक रेड कैबेज आती है वो भी आप अगर इसके अंदर ऐड ऑन कर दोगे तो एक अच्छा आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी कर्ड की। और उसके बाद मैंने प्लान किया आपका डिनर। डिनर में 1 पापड़ लेना है आपने, पापड़ जो लिजित पापड़ होता है नॉर्मल, उसको आपने तवे पे ऐसे रोस्ट करना है, उसके ऊपर आपने वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करके ऐड करनी है, एक अच्छा आपका वेजिटेबल्स पापड़ बन जाएगा, ये होएगा आपका डिनर। तो ये थी आपकी डाइट चार्ट, बट इसके साथ आपने एक और चीज का ध्यान देना है। एक तो आपने दिन में 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, 20 से 30 मिनट का आपने गैप देना हर मील के बाद, और उसके साथ आपने डेली 30 मिनट की एक्टिविटी करनी है, चाहे वो आप जिम कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या योगा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, पर 30 मिनट डेली आपने एक्टिविटी करनी ही करनी है, तभी आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये था मेरा डाइट प्लान स्पेशली उनके लिए जिनकी हाइट छोटी है,
छोटी हाइट के साथ भी आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। कैसे? बस आपने अपनी बॉडी को अच्छी शेप देनी है, और शेप देने के लिए आपने मेरी ये डाइट फॉलो करनी है। तो दैट्स इट, ये था डाइट प्लान। बट अगर आप भी चाहते हो कि आपके गोल के अकॉर्डिंग मैं कोई स्पेसिफिक डाइट आपके लिए प्लान करूं और ऐसी वीडियो बना के वो शेयर करूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपने करना क्या? आपने नीचे कॉमेंट करके मुझे बताना है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। करना क्या है, आपने अपनी एज, हाइट, वेट मेरे साथ शेयर करना है, और साथ में अपना वेकअप टाइम, स्लीप टाइम या वर्क टाइम। तो जितनी ज्यादा डिटेल्स आप शेयर कर पाओगे, उतनी ज्यादा अच्छी डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छी बात है इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट अगर आप सोच रहे होंगे भी अगर ज्यादा मैसेजेस आ गए तो हमारी बारी कब आएगी, डोंट वरी, मैं दिन में 2 या 3 वीडियोस भी बनाना शुरू कर दूंगा आपके लिए। बस आपने कमेंट करके मुझे बताना है भी आपका क्या गोल है, क्या चाहते हो आप, तो मैं आपके साथ हूँ, डेफिनेटली आपकी बेस्ट से बेस्ट शेप लेके आएंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और उनके साथ भी शेयर करना जिनकी हाइट थोड़ी छोटी है, या फिर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, आई होप उनको भी बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।